भारत का जायका और हुनर लाए हैं हम, लखनऊ हॉट आए हैं, लखनऊ हॉट आए हैं। हम बात कर रहे हैं जो लखनऊ हाट का आयोजन अवध शिल्प ग्राम में हुआ है, वहाँ तमाम किस्म के जायके और हाथों की कारीगरी की दुकानें लगी है। हम बात करते हैं उन्हीं दुकानदार से, इन्हीं से जानते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? फैसल। फैसल, क्या जायका है, क्या है, क्या क्या बनाते हैं, क्या मशहूर है? चिकन बोटी, कबाब पराठा, कलावटी कबाब, शामी कबाब, मटन बोटी, कलेजी, बिरयानी। सिर्फ लखनऊ के हुनर हाट में लगाते हैं या जो भारत सरकार की तरफ से आयोजन होता है प्रोग्राम वहाँ भी जाते हैं? वहाँ भी जाते हैं। सबसे अलग एक्सपीरियंस कहाँ रहा अभी तक? सबसे मशहूर क्या है जायका जो आपके ग्राहक पसंद करते हैं आपका जायका? चिकन बिरयानी है, गलावटी कबाब है, शामी कबाब है, पराठा है। सुना होगा बाटी पूर्वांचल का, वो बाटी चोखा जो सारे पूर्वांचल और बिहार में मशहूर है। जी भाई साहब, ये स्टॉल कहाँ की है? सर ये स्टॉल बिहार की। बिहार की है। क्या मशहूर है, सिर्फ बाटी चोखा ही है या कुछ और है? सर यहाँ का लिट्टी चोखा और ये कुल्लर मसाला चाय मशहूर है। कुल्लर मसाला चाय मशहूर है। और कुछ अलग जो ग्राहक पसंद करता हो? ये सर ये ठेकुआ आपके सामने रखा हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है और ग्राहक भी बहुत पसंद करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर निरंजन कुमार है। अब हम एक ऐसे स्टॉल पे पहुँचे हैं जो राजस्थान की है। आपने सुना होगा राजस्थानी परंपरा, राजस्थानी माना जाता है, जिसमें जयपुर पड़ता है जो माना जाता है अपने पिंक सिटी की वजह से। तो वहाँ का जायका भी हम उम्मीद करते हैं कि पिंक ही होगा, लोगों को काफ़ी स्वीटनेस पहुँचाएगा। जी भाई साहब क्या मशहूर है, क्या बनाते हैं आप लोग? दाल बाटी मशहूर है। दाल बाटी यहाँ का मशहूर है। और क्या बनाते हैं, ये मीठा उठा है, दूध है, क्या है? दाल हलवा है, मूंग दाल हलवा है, केसरिया दूध है और मावा की है। दाल बाटी जो मावा कचौड़ी है, आलू प्याज कचौड़ी है, मूंग दाल कचौड़ी है, मशहूर है वहाँ का। क्या मशहूर है अधिकतर ज्यादा जो ग्राहक पसंद करता हो? दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा। कितने साल से दुकान लगा रहे हैं आप? ये हो गए ज्यादा से 10-15 साल से ऊपर ही हो गए। 10-15 साल। क्या नाम है? दत्ताराम। कहते हैं शादी करके घर सजाना है तो भैया आइए डेकोरेशन खरीदिए। ये दुकान लगी है कश्मीर की है भाई साहब? हाँ जी बिल्कुल। ये कश्मीरी स्टॉल लगी है जहाँ पर सिर्फ डेकोरेशन होते हैं के सामान बेचे जाते हैं। जी भाई साहब किससे बनता है, क्या है खासियत? ये जनाब पेपर पल्प का बनता है। पेपर पल्प को मोड़ के इसको बनाया जाता है, उसके ऊपर पेंटिंग हो जाती है। पेंटिंग के बाद ये बेचते हैं हम। इसके ऊपर पॉलिश लगा देते हैं, इससे जो फिनिशिंग आती है ये देख लीजिए, इसकी जो फिनिशिंग ये आती है तो इससे ये बन जाता है। छोटे छोटे ब्रश होते हैं जिससे ये डिजाइन सब कुछ हो जाता है। कितने दिन में यहाँ कितने जो है कारीगर आपके यहाँ काम करते हैं, कितने दिन में कितना सामान तैयार होता है? आज ये हमारे पास कम से कम 30 कारीगर हैं जो ये बनाते हैं। इसमें अलग अलग टाइम के अलग अलग चीज के ना अलग अलग ये लग जाता है। जैसे ये 2 दिनों में ये बना है, जो ये चीज है हमारे पास 2 दिन में तैयार हुआ है। कितने का होगा ये? ये 800 रुपए का है। ये प्रोडक्ट सिर्फ कश्मीर में है या कश्मीर से बाहर भी? नहीं नहीं, बस ये सिर्फ कश्मीर में बनता है। इसको इसका नाम जो है ये पेपर माशी कहते हैं इसको। कश्मीर में कहाँ से आए हैं आप? मेन श्रीनगर से, श्रीनगर हवल से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिदाउस हुसैन। फिदाउस हुसैन। तो फिर ये कारीगरी कश्मीर से बाहर आप लोग ले जाना चाहते हैं या सिर्फ कश्मीर तक ही सीमित रखना चाहते हैं? बिल्कुल, हम पहली बार आए हैं, हम चाहते हैं कि ये इंट्रोड्यूस हो जाए इंडिया में, सारे इंडिया में, ताकि इसकी अच्छी तरीके से हो। लखनऊ का तहजीब, नजाकत और नफसत कैसा लगा यहाँ का? बिल्कुल ठीक है, अच्छा है, खुश हो गए हम यहाँ आके, बहुत अच्छा लगा। शादी कर रहे हो तो यहाँ आओ, साड़ी खरीदो और जो है दुल्हन को खुश रखो। हम एक ऐसे स्टॉल पर पहुंचे हैं जो
अपनी हाथों से कारीगरी साड़ी पर दिखा रहे हैं। भाई साहब कहाँ की स्टॉल है, क्या है? हम आंध्रा से पटना से है, वो जो है हाथ से बना हुआ है साड़ी है, कलमकारी है, सब आइटम्स हम मिलेंगे, ओवरकोट सूट्स एंड दुपट्टा सब मिलेंगे यहाँ। कितने रेट का है, लो प्राइस क्या है, हाई प्राइस क्या है? मिनिमम प्राइस 1500 से शुरू होगा हमके पास। ये जो साड़ी है एक दिन बुनवाने के लिए, एक साड़ी बुनवाने के लिए 3 दिन लगेगा, इसका प्राइस है 3.5 मिनिमम प्राइस। ये 3.5 में आएंगे। ये पोचमपल्ली है, पोचमपल्ली भी सब हाथ से बुनवाएगा साड़ी है, ये सिर्फ 3000-2500 वैसा 2500 में मिलेंगे। कैसा रहा लखनऊ का एक्सपीरियंस, कैसे रहे लखनऊ के लोग? आज के 4 दिन हो गए, खूब आ रहे हैं लोग, खरीद रहे, हमको भी अच्छा लगा यहाँ दिख के, सिटी भी अच्छा बहुत है, लोग भी आ रहे हैं, हम भी खुश, अच्छा व्यापार चल रहा है। इससे बारे में कभी लखनऊ के बारे में सुना था? हाँ जी सुना, लेकिन यही पहला बार मैं आने का आंध्रा से यहाँ। हमारा आइटम लेटर लिखा था, वो हमारा आइटम यहाँ इतना लाइक करेंगे लोग, हम बहुत खुश हो गए। ज्यादा कम से कम रोज 20,000 चल रहा व्यापार हमारा, हम बहुत खुश है सिटी से। लखनऊ के जायकों के साथ, कबाब पराठे के साथ मशहूर एक चीज लखनऊ में और है, वो है वाहिद बिरयानी, जो एक ब्रांड है, इंडिया से लेके विदेशों तक वाहिद बिरयानी का नाम है, लोग जानते हैं। क्या है भाई साहब इसमें खासियत, जो भारत के साथ, लखनऊ के साथ, बाहर के लोग पसंद कर रहे हैं? हमारी वाहिद की बिरयानी है, ये तो इसके मसाले जो होते हैं वो हाउस मसाले, उनके फादर उनका नाम वाहिद, वो इस चीज़ को उन्होंने स्टार्ट किया अब 1955 में। उस वक्त जो है ये मतलब ऐसे पतीले वगैरह पे ऐसे बिरयानी दिया करते थे, अपने खुद के मसाले बना के और खुद लोगों तक पहुँचाया करते थे। उससे जो है आगे काम लखनऊ में शुक्र है 5-6 ब्रांचें हैं। कितनी पुरानी दुकानें हैं हमारी? अभी लखनऊ में 3 दुकानें जो पुरानी है, बाकी हमारी 3 अभी नई चल रही है, बाकी 2 फ्रेंचाइजी। बाहर कितनी दुकानें होंगे आउट ऑफ कंट्री? अभी हम लोगों ने आउट ऑफ कंट्री नहीं की है, बाकी हमारा प्लान है आगे करने का, लेकिन अभी हम चाह रहे हैं कि हमारे लखनऊ के जो लोग हैं वो प्रॉपर हमको जान जाए लखनऊ में, बाकी ऑल इंडिया हम लोग कैटरिंग करते हैं, मुंबई, जयपुर गए हम लोग, अभी मुंबई से आए अभी के लिए। बिरयानी के बाद और क्या वाहिद का फेमस है? सर बिरयानी के बाद हमारा है रोस्टेड चिकन है और चिकन टिक्का है, अभी मलाई टिक्का स्पेशल हमारी, बाकी हमारे गलावटी कबाब है, पराठा है, जो लखनऊ के अलावा पूरी इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। लास्ट में वाहिद बिरयानी अपने ग्राहकों से क्या कहना चाहता है? बस यही कहता है कि वाह क्या जायका है, हर कस्टमर जो भी बिरयानी खाता है वो बस यही तो ये थे मेरे साथ बातचीत करने के लिए तमाम वो दुकानदार जिनका हुनर हाट में स्टॉल लगा है, और जो बाहर से आए हैं उनका लोग भी कहना है कि लखनऊ में आके मेरा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा रहा। तो आप भी आइए हुनर हाट और यहाँ का जायका और हाथों से बनाई हुई कारीगरी जो लगी हुई है, खरीदिए, जायका लीजिए, अपने घर जाइए। सत्योदय के लिए शकील अहमद, लखनऊ।